अब हम प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, तो 10 रेड मार्बल्स है, 20 ब्लू एंड 30 ग्रीन मार्बल्स। और अब हम इस बॉक्स में से जिसमें 10 रेड मार्बल है, 20 ब्लू और 30 ग्रीन, यानी टोटल 60 मार्बल है, इसमें से हम 5 मार्बल ड्रॉ कर रहे हैं एट रैंडम, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑल विल बी ब्लू। तो यहाँ पर हम 5 मार्बल्स एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं, यानी ऐसा नहीं कि एक बार एक मार्बल ड्रॉ कर दिया फिर 59 बचा उसमें से एक यहाँ पर। तो जब हम एक बार 5 मार्बल या 10 मार्बल एक बार ड्रॉ कर रहे होते थे तब हम इस तरह क्वेश्चन में पीएनसी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से अप्रोच करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन में, इसमें देखेंगे हम इसमें पीएनसी के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बी ब्लू, यानी जो फर्स्ट पार्ट है हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 5 बॉल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं वो ब्लू है। तो 5 बॉल्स आर ड्रॉन, 5 बॉल्स, और हमें ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बॉल ब्लू है। तो सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस देखें, या फिर जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, वो है कि हम 5 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं एट वन टाइम फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 60 बॉल्स। तो अभी यहाँ पर जब हम टोटल नंबर देख रहे हैं तो उसमें भी हमें कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें हम जस्ट 5 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं एक बॉक्स में से जिसमें 60 बॉल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 60C5 हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या एन ऑफ एस हम लिख लेंगे। अब जो डिजायर्ड आउटकम है वो है कि जो 5 बॉल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं ऑल शुड बी ब्लू। तो अगर हर एक ब्लू हो तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा जिसमें हम वो ड्रॉ कर सकते हैं, तो 20 ब्लू बॉल्स है और हमें 5 ब्लू बॉल्स ड्रॉ करनी है, तो नंबर ऑफ वेज 20C5। तो जो प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20C5 डिवाइडेड बाई 60C5। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं या फिर इस फॉर्म में भी हम रहने दे सकते हैं। तो अब सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, तो यानी एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। तो 5 बॉल्स अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ग्रीन हो या दो ग्रीन हो या फिर 3, 4, 5 ग्रीन हो। तो अब इसमें अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ऐसे अगर हम सिर्फ ग्रीन बॉल्स को लेकर बढ़ेंगे तो काफी टीडियस हो सकता है कैलकुलेशन। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि वो नंबर ऑफ वेज कितना है जिसमें एक भी ग्रीन बॉल नहीं आ रही है, और अगर उसे टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 1 में से घटा देंगे, 1 माइनस P1 से हम उसे डिनोट करते हैं, 1 माइनस P1 उस 1 में से जो टोटल प्रोबेबिलिटी है 1 में से वो घटा देंगे, वो प्रोबेबिलिटी जिसमें हम जो बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो ग्रीन नहीं है, यानी एक भी ग्रीन बॉल नहीं है, पांचों बॉल ब्लू है या रेड है। पिछले में हम प्रोबेबिलिटी निकालें ब्लू का, इस बार हम ब्लू या रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, या फिर बस हमें इतना ध्यान देना है कि वो बॉल ग्रीन नहीं है। तो अगर हम उस प्रोबेबिलिटी को निकाल लें कि जो बॉल हम निकाल रहे हैं वो ग्रीन नहीं है और उसे 1 में से घटा दें, तो अब क्या बचता है कि 5 बॉल्स में से एटलीस्ट 1 ग्रीन है, क्योंकि हमने ये प्रोबेबिलिटी इस बात की निकाली कि इस 5 बॉल को जो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसमें से एक भी ग्रीन नहीं है, यानी 5 में 0 ग्रीन है। तो उसे अगर 1 में से हटा दें तो फिर जो प्रोबेबिलिटी बचेगी P2 से अब हम उसे डिनोट कर देते हैं, वो प्रोबेबिलिटी इस बात की होगी कि जो 5 बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 1 ग्रीन है, 1 ग्रीन है या 2 ग्रीन है, 3 ग्रीन है या 4 या 5 ग्रीन है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स 1 से लेके 5 तक है, क्योंकि हम 1 में से वो प्रोबेबिलिटी हटा दे रहे हैं। अगर हम सबसे पहले अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सोचते हैं कि नंबर ऑफ बॉल्स अगर हम 5 ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें से ग्रीन बॉल कितना आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और हमें बताना है कि एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, यानी ये टोटल प्रोबेबिलिटी जिसमें जो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन है वो एटलीस्ट 1 है या नहीं 1 से लेकर 5 तक है। तो अगर हम 1 में से वो प्रोबेबिलिटी हटा दें जिसमें नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन 0 है तो हमें वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जो हमें चाहिए कि बॉल एटलीस्ट 1 है। तो अब 1 में से हम वो प्रोबेबिलिटी घटाएंगे, यानी नंबर ऑफ बॉल्स ड्रॉन, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन 0 है, ग्रीन बॉल हम एक भी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो हम जो पांचों बॉल ड्रॉ कर रहे हैं वो ब्लू है या रेड है, कितनी ब्लू बॉल है कितनी रेड बॉल है इससे फर्क नहीं पड़ता है, पांचों बॉल ब्लू या रेड होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ रेड प्लस ब्लू बॉल्स कितनी है, 30, तो उसे ड्रॉ करने का वेज 30C5, यानी नंबर ऑफ नॉन ग्रीन बॉल्स ड्रॉ करने का वेज 30C5 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ 5 बॉल्स ड्रॉ करने का वेज जो हमने पहले भी कैलकुलेट किया है 60C5। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जो हमें सेकेंड पार्ट में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक वेल शफल्ड डेक है 52 कार्ड्स का, और इसमें से 4 कार्ड्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, 4 कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो 4 कार्ड्स में 3 डायमंड है और 1 स्पेड है, 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। तो हम जानते हैं जो प्लेइंग कार्ड होते हैं 52 उसमें 13 डायमंड होता है और 13 स्पेड होता है। तो अब अगर जो 4 कार्ड हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें 3 डायमंड है, 1 स्पेड है,
नंबर ऑफ, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, हम 52 कार्ड्स के पैक से 4 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 4 कार्ड्स ड्रॉ करने का 52 सी 4। यहां पर ये देखना है कि हम 4 कार्ड एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक कार्ड ड्रॉ कर लिया फिर बचे हुए 51 में से 3 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पर चारों कार्ड हम एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा 52 कार्ड्स के पैक में 4 कार्ड ड्रॉ करने का, वो 52 सी 4 हो जाएगा। और अब जो नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स है हमारा, वो है कि जो 13 डायमंड्स है उसमें से हम चार कार्ड में 3 डायमंड होना चाहिए और एक स्पेड। और हम जानते हैं कि 52 कार्ड्स में 13 डायमंड है और 13 स्पेड, यानी इस 13 डायमंड्स में से हम 3 डायमंड्स ले रहे हैं और 13 स्पेड्स में से कोई एक स्पेड ले रहे हैं। तो 13 डायमंड्स में से 3 डायमंड लेने का नंबर ऑफ वेज 13C3, और 13 स्पेड्स में से एक स्पेड लेने का नंबर ऑफ वेज इंटू 13C1। तो जो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए वो हो जाएगी 13C3 इंटू 13C1 डिवाइडेड बाई 52C4। क्वेश्चन नंबर 3 में डाई है, तो जो नॉर्मल डाई होता था अब तक हमारे पास, उस पर जो 6 फेस रहता था उस पर मार्क रहता था 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लेकिन यहां पर जो डाई है उसमें 2 फेसेस है ईच विथ नंबर 1, यानी 2 फेस पे 1 है, फिर 3 फेस पे नंबर 2 है, यानी 3 फेस पर 2 है और 1 फेस पे नंबर 3 है। और अब हमें प्रोबेबिलिटी बताना है, अगर हम इस डाई को एक बार रोल कर रहे हैं कि उस पर 2 आए, यानी पी ऑफ 2, यानी 2 शो अप करे डाई के अपर मोस्ट फेस पर। तो हम देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 फेस में से कोई एक भी फेस आ सकता है, तो वो 6 है। और जो डिजायर्ड आउटकम है यानी 2 आए, वो हम 2 देख सकते हैं, 6 में से 3 फेस पर 2 है, तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 3/6 यानी 1/2 के बराबर हो जाएगी। और अब इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें बताना है पी 1 और 3, यानी 1 आए या 3 आए। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर 2 नहीं आएगा तो 1 या 3 में से ही कुछ आएगा, तो 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा। या फिर हम ये देख सकते हैं कि 1 और 3 कितने बार है, तो 2 बार 1 है और 1 फेस पे 3 है, यानी नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स अगेन 3 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है। तो 6 में से 3 फेस पर 1 या 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 ये 3/6 यानी 1/2 के बराबर हो जाएगा। और अब थर्ड पार्ट में पी ऑफ नॉट 3, यानी कुछ भी आए अदर देन 3, पी नॉट 3। हम देख सकते हैं कि 3 अगर नहीं आएगा तो 1 या 2 आएगा। तो अगर हम 3 को हटा दें तो 6 फेस में से 5 फेस ऐसा है जो नॉट 3, यानी 3 नहीं है उस पर। तो जो नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम है वो 5 है, या फिर 5 फेस ऐसा है जिसपे 3 नहीं है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो ये प्रोबेबिलिटी 5/6 के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में एक लॉटरी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 10,000 है और इसमें 10 इक्वल प्राइज आर अवार्डेड। तो जो इस लॉटरी में जो 10 इक्वल प्राइज है, इसका मतलब 10 टिकट पर प्राइज है और बाकी टिकट्स पे प्राइज नहीं है। तो अगर हमें निकालना है कितने टिकट्स पे प्राइज नहीं है, तो वो जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स है -10 टिकट्स के बराबर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि 10 टिकट्स पे प्राइज है और 9990 टिकट्स पे, 9,990 टिकट्स पे प्राइस नहीं है। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी बताना है ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइस, यानी प्राइस नहीं मिलेगा। हमें प्राइस मिलने का प्रोबेबिलिटी नहीं बताना है, हमें प्राइस नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी बताना है। इफ वी बाई 1 टिकट, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में अगर हम 1 टिकट ले रहे हैं तब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम प्राइस नहीं मिल रहा है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 10,000 है और जिस पर प्राइस नहीं है वो नंबर ऑफ टिकट्स 9,990 है। तो प्रोबेबिलिटी कि हम कोई ऐसा टिकट लें जिस पर प्राइस नहीं हो, वो जो नंबर ऑफ टिकट्स जिस पर प्राइस नहीं है बाय टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, देख सकते हैं ये 99,999/1,000 के बराबर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक और तरीका है थ्रू परम्यूटेशन कम्बिनेशन। जो कम्बिनेशन हम ये लेंगे कि जस्ट इसी को देखने का दूसरा तरीका, क्योंकि यहाँ पर हम जस्ट एक कार्ड ले रहे हैं, एक टिकट ले रहे हैं, तो यहाँ पर इतना टिकट्स में से एक टिकट हम लेंगे, तो उसको लेने का तरीका हम कम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं C1। तो अगेन हम देख सकते हैं कि कितना भी C1 हो, NC1 N के बराबर ही हो जाता है, तो जो यहाँ पर आएगा वही आ जाएगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स। यानी हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी जिसपे प्राइस नहीं है, तो
उसमें से एक टिकट लेंगे जिस पे प्राइज नहीं हो, जितने नंबर ऑफ टिकट्स पे प्राइज नहीं हो, तो इतने नंबर ऑफ टिकट्स पे प्राइज नहीं है, तो एनसी वन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टिकट्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सी वन, तो अगेन ये इसी के बराबर आ जाएगा। अब हम अगर पार्ट बी देखें तो उसमें अब हम एक टिकट नहीं ले रहे हैं, उसमें दो टिकट ले रहे हैं, तो अब दो टिकट में हम इस तरह से अप्रोच नहीं करेंगे, दो टिकट जब हम एक टाइम ले रहे हैं तो अब इस अप्रोच ये अप्रोच काम आएगा। तो अब हम दो टिकट ले रहे हैं और हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि हम प्राइज नहीं जीत रहे हैं, पी ऑफ नॉट प्राइज, प्राइज नहीं जीत रहे हैं। तो अब अगेन जो प्राइज नहीं वाली टिकट है वो 9990 है, तो इसमें से अगर हम कोई भी दो टिकट ले लें तो हमें प्राइज नहीं मिलेगा, तो जो नंबर ऑफ वेज हो गया इस में से दो टिकट, और टोटल नंबर ऑफ वेज जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स है उसमें से दो टिकट लेने का नंबर ऑफ वेज, तो प्रोबेबिलिटी इसके बराबर हो जाएगी। और इसी आइडिया को अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सटेंड कर देंगे, जहां पर हमें प्रोबेबिलिटी बताना है ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज इफ यू बाय 10 टिकट्स। तो यहां पर हम वन टिकट में सेम फॉर्मूला यूज किए, टू टिकट्स में, तो अब अगर हम 10 टिकट्स ले रहे हैं और हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि हम उसमें से एक भी टिकट प्राइज वाला नहीं है, यानी इस 10 में से हम एक भी टिकट नहीं ले रहे हैं, इस 9990 में से हम 10 टिकट ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ वेज या फिर नंबर ऑफ डिजायर्ड वेज ये हो जाएगा और डिवाइड बाई नंबर ऑफ टोटल वेज, ये प्रोबेबिलिटी हो गई, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो इसके बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 100 स्टूडेंट्स में से दो सेक्शन बन रहा है, एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स है और दूसरे सेक्शन में 60 स्टूडेंट्स है, और अब क्वेश्चन में है कि यू एंड योर फ्रेंड आर अमॉन्ग द 100 स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ इंटर द सेम सेक्शन, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप दोनों एक ही सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पर दो चांस है या फिर दो वेज है जिसमें आप दोनों एक सेक्शन में जा सकते हैं, एक तो जो 40 का सेक्शन बन रहा है जिसे हम सेक्शन ए कह सकते हैं, 60 का सेक्शन सेक्शन बी, उसमें आप दोनों जा रहे हैं, या फिर दूसरा भी यह है कि जो 60 स्टूडेंट का सेक्शन है उसमें आप दोनों जा रहे हैं। तो अगर 40 स्टूडेंट्स के पहला केस हम देखेंगे कि जो 40 का सेक्शन बन रहा है उसमें यू बोथ आर इंटरिंग द सेम सेक्शन इन सेक्शन ए, तो अब जो टोटल नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स है, यानी अगर आप दोनों उस 40 में जा रहे हैं तो अब जो सीट बची उस सेक्शन में वो 38 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बचा 98, तो हमने ये एज्यूम कर लिया है कि आप दोनों सेक्शन ए में हैं, तो अब नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा या फिर नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स हम लिख सकते हैं 98C38, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच सेक्शन ऑफ 40 कैन बी फॉर्म फ्रॉम 100 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 100/40। तो आप देख सकते हैं परम्यूटेशन कमीशन का यूज करके हमने कैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाली, तो ये केस फर्स्ट है, यहाँ पर इस प्रोबेबिलिटी को और उस प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करेंगे जब आप दोनों सेक्शन बी में जा रहे हैं। तो सेक्शन ए में अगर जा रहे हैं तो अभी इसको समझने में अगर परेशानी हो रही तो एक बार फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि 38 अगर 40 स्टूडेंट्स में से दो सीट हमने मान लिया कि सेक्शन ए में आप दोनों जा रहे हैं, तो अगर दो स्टूडेंट्स फिक्स है तो अब बचा सीट 38 उस सेक्शन में, और अब स्टूडेंट्स बच गए 98 क्योंकि दो स्टूडेंट पहले से फिक्स है कि वो सेक्शन ए में जा रहे हैं, तो जो ये हमारा डिजायर्ड नंबर ऑफ आउटकम्स हुआ, ये हमारा डिजायर्ड नंबर ऑफ वेज हुआ क्योंकि हम पहले दो आप दोनों को पुट कर दे रहे हैं सेक्शन ए में, तो अब जो डिजायर्ड नंबर ऑफ वेज हुआ वो हो गया 98C38 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज उस सेक्शन को फॉर्म करने का कितना है 100C40, और अब हमें 60 से कोई फर्क नहीं है क्योंकि 60 में जस्ट हम प्रोबेबिलिटी अगर निकालें तो वो 1 हो जाएगा क्योंकि उसमें हम कोई भी कंडीशन नहीं पुट कर रहे हैं 60 में, 100 से 60 जिस तरह से भी डिजायर्ड नंबर ऑफ आउटकम भी वही है जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है, तो और अब तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, पहले अब इस देखते हैं सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में सेक्शन ए नॉर्मली भर रहा है जैसे 40 स्टूडेंट भरना चाहिए, उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है तो उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, तो अब जो या फिर प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं 1 होगा स्टूडेंट्स को फिल करने का, और अब सेक्शन बी में 60 स्टूडेंट्स में से दो स्टूडेंट्स पहले से भरे हुए हैं, तो अब जो नंबर ऑफ सीट्स बचा वो 58 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो भरने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो 98, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ डिजायर्ड वेज, तो डिजायर्ड वेज है 98C58 क्योंकि दो स्टूडेंट्स पहले से उसमें हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वेज उस सेक्शन को भरने का, तो उस सेक्शन को भरने का टोटल नंबर ऑफ वेज 100C60 है। तो अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है पार्ट ए में तो हम जस्ट इसको ऐड कर देंगे, यानी 98C38 डिवाइडेड बाई 100C40 प्लस 98C58 डिवाइडेड बाई 100C60, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। तो आप देख सकते हैं ये जो पार्ट ए में प्रोबेबिलिटी है ये बराबर हो जाएगा 40 into 39 डिवाइडेड बाई 100 into 99 के, तो यहाँ पर
कुछ स्टेप्स कैलकुलेशन के ओमिट कर दिया है, यहाँ पर आप पेन पर पेपर पर अच्छे से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जस्ट एनसीआर है, एनसीआर का फॉर्मूला यूज करना है। प्लस इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो देख सकते हैं ये 60 × 59, यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 198, तो 100 × 99 हो जाएगा। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये बराबर हो जाएगा अगेन 17/33 के। तो यहाँ पर कैलकुलेशन स्टेप्स मैं यहाँ पर नहीं दिखाया, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब पार्ट बी में हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि बोथ इंटर डिफरेंट सेक्शन। तो अभी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया कि दोनों सेम सेक्शन में जा रहे हैं, तो हम अगर टर्म्स में बात करें या फिर जो प्रोबेबिलिटी का नॉन टर्म्स हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, तो वही इवेंट है ये दोनों, कि प्रोबेबिलिटी के दोनों सेम सेक्शन में जाएं प्लस प्रोबेबिलिटी के दोनों डिफरेंट सेक्शन में जाएं, पी सेम प्लस पी डिफरेंट, ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। इसका मतलब कि दोनों स्टूडेंट, अगर आप दो दोस्त हैं तो दोनों सेम, या तो सेम सेक्शन में जाएंगे या फिर डिफरेंट सेक्शन में जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक साथ दोनों एक सेक्शन में भी जा रहे हैं और एक साथ अलग सेक्शन में भी जा रहे हैं। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इस बात की 0 है, और साथ में एग्जॉस्टिव भी है, क्योंकि दोनों का सम इसमें से कोई एक ना एक होना श्योर है, यानी या तो सेम सेक्शन में जाएंगे या डिफरेंट सेक्शन में जाएंगे, और दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो जस्ट यही डिफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है। तो इसका मतलब हो गया कि इस दोनों का प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा। तो अभी हमने कैलकुलेट किया कि पी सेम यानी सेम सेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी 17/33 है, तो डिफरेंट सेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी पी से अगर हम डिनोट करें तो 1 - P सेम या फिर 1 - 17/33, तो ये बराबर हो जाएगा 16/33 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास तीन इन्वेलप है, इसे हम डिनोट करते हैं सबसे पहले इसे E1 से, सेकंड इन्वेलप को E2 से, और थर्ड इन्वेलप को E3 से, और हमारे पास तीन लेटर है L1, L2, L3, और इन तीन लेटर को L1 E1 में डालना है, L2 E2 में, और L3 E3 में। इसीलिए हमने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट 1, 2, 3 यूज किया, ताकि पता चले कि कौन किस में डालना है, लेकिन हम यहाँ पर एट रैंडम लेटर्स को इन्वेलप में डाल रहे हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एट लीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर इन्वेलप, यानी कम से कम एक लेटर प्रॉपर इन्वेलप में आ जाए अपने। तो अब सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि तीन लेटर को तीन इन्वेलप में डालने का टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, या फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, तो वो 3P3 हम जानते हैं परम्यूटेशन कम्बिनेशन से, कि तीन लेटर को तीन इन्वेलप में डालने का टोटल नंबर ऑफ वेज 3P3, यानी 3 फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड 3 - 3 0 फैक्टोरियल, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज 6 हो जाएगा। अब हमें टोटल नंबर ऑफ डिजायर्ड वेज चाहिए, यानी जो एटलीस्ट 1 इन्वेलप है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, ये E1 है, फिर से नोमेनक्लेचर कर दें, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, और अब हमें चाहिए डिजायर्ड नंबर ऑफ वेज, यानी वो वेज जिसमें एटलीस्ट 1 इनवेलप 1 लेटर अपने सही इनवेलप में आ रहा है। तो L1, L2, L3, तो पहले हम वो केस देखेंगे जिसमें एक लेटर अपने इनवेलप में आ रहा है। तो मान लेते हैं कि तो L1 E1 में आ रहा हो, तो अगर L2 E2 में आ जाए, L3 E3 में आ जाए, तो फिर तीनों लेटर अपने अपने सही इन्वेलप में आ जाएगा, लेकिन हमें जस्ट वो कैलकुलेट करना है जिसमें एक इन्वेलप अपने सही, एक लेटर अपने सही इन्वेलप में आ रहा है। तो इसमें तीन वेज है, क्योंकि या तो L1 E1 में आ सकता है और L2 L3 एक दूसरे में चला जाए, L2 E2 में आ जाए और L1 L3 एक दूसरे में चला जाए, और L3 E3 में आ जाए और L1 L2 गलत फिल हो जाए। तो कोई एक लेटर अपने सही इन्वेलप में आ जाएगा और बाकी दोनों अपने सही इन्वेलप में न जाके दूसरे इन्वेलप में चला जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो यहाँ पर हो गया वो 3 हो गया, कि जो 3 वेज है। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं L1 E1 में आ जाए, L2 E2 में ना जा करके L2 E3 में चला जाए और L3 E2 में आ जाए। तो इसी तरह अब हम 3 वेज लिख सकते हैं, एक यहाँ पर जस्ट L1 E1 के बदले L2 E2 आ जाएगा और 1 और 3 आपस में गड़बड़ हो जाएगा, उसी तरह L3 E3 आ जाएगा और 1 और 2 आपस में गलत चला जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 3 हो गया। अब दूसरा वेज हम ये देखेंगे कि एटलीस्ट 1 है, यानी एग्जैक्टली 1 नहीं है, एटलीस्ट 1 लेटर अपने इन्वेलप में चला गया। तो अब दूसरा वेज है कि 1 हमने देख लिया और 3 लेटर है, तो हम देखेंगे ये हमने देख लिया कि 1 लेटर एग्जैक्टली 1 लेटर अपने इन्वेलप में जा रहा है, तो वैसा वेज 3 है। अब हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज तब कितना होगा जब 2 लेटर अपने सही इन्वेलप में जा रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एटलीस्ट 1 लेटर अपने प्रॉपर इन्वेलप में जाए, तो हम वो सारा केस देखेंगे कि एक
लेटर अपने एनवेलप में जा रहा हो या दो जा रहा हो या तीन जा रहा हो, तो एक हमने देख लिया वैसे नंबर ऑफ वेव तीन है। तो अब अगर दो लेटर अपने सही एनवेलप में जा रहा है, देख सकते हैं L1 E1 में जा रहा है तो L2 E2 में, तो ऑटोमेटिकली तीसरा भी अपने सही एनवेलप में ही जा रहा होगा क्योंकि और कोई चौथा एनवेलप है ही नहीं। तो ये दोनों एग्जैक्टली एक बात है, और ऐसा एक ही केस होगा जब L1 E1 में जाए, L2 E2 में जाए और L3 E3 में जाए, तो जो नंबर ऑफ डिजायर्ड वेव्स है वो 3+1 यानी 4 के बराबर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी 4 बाई टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो कि 6 है यानी 2/3 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दो इवेंट्स हैं ए और बी सच दैट पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए ये 0.54 है, पी ऑफ बी 0.69 है और पी ऑफ ए एंड बी बोथ ए एंड बी अकर्स उसकी प्रोबेबिलिटी 0.35 के बराबर है। और फर्स्ट पार्ट में मैं बताना है पी ए और बी, हम जानते हैं पी ए और बी जस्ट फॉर्मूला यूज करेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए एंड बी। तो अब अगर हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो पी ए और बी बराबर हो जाएगा 0.54 प्लस 0.69 माइनस 0.35 के, और ये बराबर हो जाएगा 0.54 प्लस 0.34 यानी 0.88 के। और अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें पी ऑफ ए कंप्लीमेंट या नॉट ए एंड नॉट बी बताना है, यानी नाइदर ए अकर्स नॉर बी अकर्स। तो ए नॉट या ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हम डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पर यूज करेंगे, और हम पहले भी इस लॉ को यूज कर चुके हैं या फिर इस डिमॉर्गन्स लॉ को हम पहले भी काफी यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर जस्ट हम लिख सकते हैं कि ये ए और बी का कंप्लीमेंट है, जानते हैं ए और बी का कंप्लीमेंट, यहाँ पर जस्ट इस लॉ को स्टेट कर दें कि ए और बी का कंप्लीमेंट यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के बराबर होता है। जस्ट हमने उसे यूज किया, और अब P ऑफ A यूनियन B ये जस्ट कोई भी इवेंट है A और B, इसे हम कोई एक इवेंट मान लें कोई भी C, तो हम जानते हैं कोई भी इवेंट E प्लस P E नॉट यानी E डज नॉट अकर्स ये 1 के बराबर है, या फिर हम कंप्लीमेंट को नीचे भी डिनोट कर सकते हैं अगेन। तो अब इसे हम P A और B नॉट A और B, तो इसे हम 1 माइनस P A और B लिख सकते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.88 के यानी 0.12 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और अब हम पार्ट थ्री की तरफ बढ़ेंगे, पार्ट थ्री में हमें बताना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहां पर इस साइन का मतलब है ए एंड, यहां पे इंटरसेक्शन एंड नॉट बी, यानी ए अकर्स कर रहा है ए एंड नॉट बी, यानी ए भी हो रहा है और बी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पी ए एंड नॉट बी, तो यहां पर जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ए अकरेंस, तो ये है कि अगर ए अकर कर रहा है और अगर ए के साथ बी भी हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम पी ए में से यहां पर जो पी ए है इसमें वो दोनों केस इंक्लूडेड है, यानी बी हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यहां पर उससे मतलब ही नहीं है, यहां पर वो दोनों केस इंक्लूडेड है कि बी अकर भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो वो दोनों केस इस प्रोबेबिलिटी में आ रहा है पी ऑफ ए में। अगर उसमें से हम वो केस हटा दें जहां पर बी हो भी रहा, जहां पर ए के साथ बी हो रहा है, तो हमें वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जहां पर ए के साथ बी नहीं हो रहा है। तो पी ए माइनस पी ए नॉट बी यानी 0.54 माइनस 0.35, तो ये प्रोबेबिलिटी 0.19 के बराबर हो जाएगी। और इसी तरह लास्ट पार्ट में हमें बताना है कि जहां पर बी हो रहा है और ए नहीं अकर कर रहा है, पी ऑफ बी एंड नॉट ए, बी एंड नॉट ए, तो हम लिख सकते हैं पी ऑफ बी जस्ट पिछले क्वेश्चन पिछले पार्ट की तरह प्रोसीड करेंगे B and not A, यानी B is occurring and A is not occurring। तो ये जो PB probability है इसमें इसके साथ यहाँ पर कोई कुछ भी stated नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर इस केस में A occur भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो total की भी ये probability है। तो उसमें से अगर हम वो केस हटा देंगे जिसमें B के साथ A occur कर रहा है, तो हमें वो केस में वो probability मिल जाएगी जिसमें B के साथ A occur
नहीं कर रहा है, तो बी के साथ ए जिसमें अगर कर रहा है तो पी वी 0.69 माइनस 0.35 यानी ये प्रोबेबिलिटी 0.34 के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में एक कंपनी के 5 इंप्लॉयज हैं और उनके बारे में हमारे पास डेटा है यानी जेंडर और एज के बारे में। तो जो फर्स्ट इंप्लॉय है वो मेल है एज 30, सेकंड मेल है एज 33 और फीमेल को हम इधर नोट डाउन कर लेते हैं, फीमेल है एज 46, फीमेल है एज 28 और मेल है एज 41। अब जो ये 5 इंप्लॉय मैनेजिंग कमेटी में है कंपनी के, इसमें से एट रैंडम किसी एक को सेलेक्ट करना है स्पोक्स पर्सन के लिए। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो सिलेक्टेड पर्सन है वो आइदर मेल होगा, मेल और एबव और यहां पर है, यानी हमें ऐड करना होगा डिजायर्ड आउटकम्स एबव 30 और ओवर एबव 35 ईयर्स ऑफ एज। या तो मेल होना चाहिए या फिर अबव 35 इयर्स, तो वो हमारे नंबर ऑफ या फिर डिजायर्ड आउटकम्स में काउंट होगा। तो अगर हम 5 लोगों में से 5 पर्सन में से एक पर्सन को एट रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो जाएगा या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, अगर हम 5 पर्सन में से किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 5 है, 5 पर्सन। और अब हमें डिजायर्ड आउटकम्स देखना है, जो इवेंट है वो इवेंट है मेल और ओवर 35 ईयर्स। तो हम देख सकते हैं ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले इस 5 एग्जांपल में से 4 एग्जांपल है, या तो मेल हो तो तीनों मेल आ जाएंगे इसमें, और अबव 35 ईयर्स यानी या फिर फीमेल हो अबव 35, तो एक फीमेल है अबव 35, तो नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कि जो स्पोक्स पर्सन के लिए सेलेक्ट हो वो मेल हो या फिर अबव 35 ईयर्स हो वो एन ई बाई एन एस यानी 4/5 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 4 डिजिट नंबर बनाना है ग्रेटर देन 5000 फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 3, 5 और 7। तो अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, सबसे फर्स्ट पार्ट में दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्या नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा व्हेन फर्स्ट पार्ट में डिजिट्स आर रिपीटेड, सेकंड पार्ट में डिजिट्स आर रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। जो फर्स्ट पार्ट है रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। और अब हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो 5000 से बड़ा नंबर रैंडमली हम फॉर्म करेंगे इस डिजिट से वो 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो हम अप्रोच अपनाएंगे, सबसे पहले हम 4 डिजिट्स नंबर फॉर्म करेंगे, पहले देखेंगे कि जो गिवन कंडीशन है यानी 5000 से बड़ा 4 डिजिट नंबर गिवन कंडीशन में रिपीटेशन अलाउ और इन डिजिट से कितना बन रहा है। तो जो टोटल नंबर बन रहा होगा वो हमारा एनएस हो जाएगा यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। और फिर हम ये निकालेंगे कि जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स है यानी वैसा नंबर कितना बन रहा है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यानी इस सैंपल स्पेस में है और 5 से डिविजिबल है, तो वो हमारा एनई हो जाएगा। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी हम एनई बाई एनएस के फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसा नंबर कितना बन रहा है जो 5000 से बड़ा हो और 4 डिजिट का हो और इन चारों डिजिट से बन रहा हो। तो अगर नंबर 5000 से बड़ा है तो वो इस पोजीशन पर फ्रॉम द डिजिट्स, तो इस पोजीशन पर 5 या 7 है, तो इस पोजीशन को भरने का दो तरीका है। अब रिमेनिंग जो 3 पोजीशंस है उसे हम 5 किसी भी तरह से 5 डिजिट्स है हमारे पास तो 5 में से किसी भी नंबर से भर सकते हैं। तो अगेन इसको फिल करने का 5 वेज हो गया हमारे पास, इसको फिल करने का 5 वेज और फिर इसे फिल करने का हमारे पास 5 वेज है। जो टोटल नंबर ऑफ वेज हुआ, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है, ये बात देखना है कि हमें नंबर 5000 से बड़ा बनाना है 4 डिजिट नंबर, तो 5000 से बड़ा बनाने के लिए इस डिजिट पर हम 0, 1 और 3 नहीं फिल कर सकते, 5 या 7 फिल कर सकते हैं। तो इस फिल करने का 2 वे हमारे पास, और अब रिपीटेशन अलाउ है तो अब अगेन हमारे पास 5 डिजिट है, 5 डिजिट में से किसी भी डिजिट से इस बॉक्स को हम फिल कर सकते हैं, सेकंड डिजिट को, फिर थर्ड डिजिट को, फिर फोर्थ डिजिट को, तो इस दोनों को, इस तीनों को फिल करने का 5 वे है। तो जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बन सकता है 4 डिजिट नंबर्स गिवन रिक्वायर्ड कंडीशन में वो 2 × 5 × 5 × 5 यानी 125 × 2 250 के बराबर हो जाएगा। और अब हमें चाहिए नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स यानी एन ऑफ ई। तो अगेन अगर इस केस में हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट फिल करने का फिर से 2 वे है, क्योंकि हमें यही नंबर चाहिए 5000 से बड़ा, तो इसे फिल करने का 2 वे है, और अब इसे फिल करने का 5 वे है
इसे भी फिल करने का फाइव वे है, लेकिन इस डिजिट को फिल करने का हमारे पास फाइव वे नहीं है, क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए, जो रिक्वायर्ड नंबर है, वो डिविजिबल होना चाहिए फाइव से। तो ये नंबर या तो फाइव होना चाहिए लास्ट डिजिट या फिर जीरो, तो इसे फिल करने का दो वे हमारे पास। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स हुआ वो 2 × 5 × 5 × 2 के बराबर है, यानी 25 × 4 100। तो प्रोबेबिलिटी 100/250 के बराबर हो जाएगा, या फिर अगर हम 50 से डिवाइड कर दें तो ये 2/5 के बराबर हो जाएगा। और अब सेकेंड पार्ट में एग्जैक्ट यही कैलकुलेशन करना है, मतलब हमें यही बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो लास्ट जो फोर डिजिट नंबर हम बनाएंगे रैंडमली वो फाइव से डिविजिबल हो, लेकिन उस केस में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड था, अब रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो पहले हम देखेंगे कि टोटल नंबर यानी एन ऑफ एस कितना है। टोटल नंबर वैसा कितना बन सकता है, तो फोर डिजिट है, और अब 5000 से बड़ा बनना है, तो अगेन इस डिजिट को फिल करने का हमारे पास दो वे है। अब 5 और 7 में से कोई एक डिजिट को हम यहाँ फिल कर चुके हैं, अब हमारे पास फोर डिजिट ही बचता है, कोई फोर, मान लेते हैं 7 फिल कर दिया तो हमारे पास फोर डिजिट ही बचता है। तो अब इस डिजिट में फिल करने के लिए हमारे पास फोर डिजिट्स है, इस बॉक्स में फिल करने के लिए 3 है, और उसी तरह इसमें करने के लिए 2 है, क्योंकि अब यहाँ रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो जो एन ऑफ एस है यानी जो टोटल नंबर है वो 2 × 4 × 3 × 2, यानी हम देख सकते हैं 12 × 4 = 48 के बराबर है। और अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स कितने हैं, यानी जो डिजायर्ड नंबर हमें चाहिए, जो कंडीशन है वो कि ये लास्ट डिविजिबल होना चाहिए 5 से, वो कितना है। तो अब हम देख सकते हैं तो अब ये 4 बॉक्स है। अब यहाँ पर एक बात और करना है कि हम जस्ट एक बार में इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इस बात से फर्क पड़ जाएगा कि हम यहाँ पर 5 फिल कर रहे हैं या 7 फिल कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 5 फिल कर देते हैं तो इस डिजिट पर फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ 0 बच जाता है, क्योंकि जो हमारे पास नंबर चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए 5 से। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए हम जो वंस डिजिट है उसे 0 या 5 से फिल कर सकते थे, जो यहाँ पर केस था कि दो बार दो वे था 0 या 5, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो अगर इस डिजिट को हमने 5 से फिल कर दिया तो अब हम इस डिजिट को 5 से फिल नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में इस डिजिट को फिल करने का हमारे पास सिर्फ एक वे रह जाएगा। तो पहले हम वो कंसीडर करते हैं कि हम फर्स्ट डिजिट को 5 से फिल कर रहे हैं, तो फर्स्ट डिजिट को 5 से फिल करने का सिर्फ एक तरीका है कि हम उसे 5 से फिल कर दें, और अब हमारे पास 4 डिजिट बच जाता है 0, 1, 3, 5, लेकिन अब हमें 0 से इस डिजिट को फिल करना है, तो अब इस डिजिट को फिल करने का 1 तरीका। और अब हमारे पास 3 डिजिट और है 1, 3 और 7, और इस 3 डिजिट से हमें इस 2 डिजिट को भरना है, तो इस डिजिट को भरने का 3 वेज, और जो दो डिजिट बचा उसमें से किसी एक से इसे फिल कर सकते हैं, तो इसे फिल करने का 2 वेज। तो इस तरह से जो यानी इस डिजिट पर 5 भर के जो हमारे पास नंबर आया नंबर ऑफ आउटकम्स वो 6 है, लेकिन अब हम इस डिजिट को 7 से ही भर सकते हैं। ये जो 1000 डिजिट है इसे 7 से अगर फिल कर दें तो अब वंस डिजिट को फिल करने का हमारे पास 2 वे है, इसे हम 0 से भी फिल कर सकते हैं और इसे 5 से भी फिल कर सकते हैं। तो अब इस डिजिट को फिल करने का 2 वे, और अब हम 7 से इस डिजिट को फिल कर चुके हैं, तो अगेन हमारे पास 5 या 0 में से किसी एक से इसे फिल कर चुके हैं। तो अब हमारे पास 3 डिजिट बचा और 2 प्लेस को फिल करना है, तो इसे पहले फिल करने का 3 वेज और फिर इसे फिल करने का 2 वेज। तो इस केस में जो नंबर हो जाएगा, और 7 से इस बॉक्स को फिल करने का सिर्फ एक वे है कि हमें इसमें 7 भर देना है, तो नंबर ऑफ डिजायर्ड आउटकम्स इस केस में 3 × 2 × 2 यानी 6 × 2 = 12। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पीएनसी से ज्यादा रिलेटेड है और प्रोबेबिलिटी से कम, प्रोबेबिलिटी का बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। 6 × 2 = 12, तो 12 + 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 18 हो गया, 12 + 6, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो 48 है, तो प्रोबेबिलिटी इसके बराबर हो जाएगी 18/48, या फिर हम इसे 3/8 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास एक सूटकेस है जिसमें हमने वो उसका नंबर लॉक देखा होगा, इस टाइप का होता है जिसमें हमें 4 डिजिट फिल करना होता है, तो 4 डिजिट का कोड होता है जो अगर हम सही फिल करते हैं तो फिर वो सूटकेस खुल सकता है। तो ये लेबल्ड है डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, यानी 10 डिजिट्स हैं, इसे हम लिस्ट कर सकते हैं 0, 1, 2, 3 in 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस 10 डिजिट में से किसी 4 डिजिट का कोड है, और अगर उसे हम सही सीक्वेंस में फिल करेंगे तभी वो नंबर लॉक खुलेगा। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कोई एक आदमी जिसको वो कोड नहीं पता है वो सूटकेस को खोल पाने की उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगेन पहले हम ये देखेंगे कि वैसा जो नंबर ऑफ ये है
कोड वो कितना पॉसिबल है। तो इस और इसमें कंडीशन है कि फोर डिजिट से जो सीक्वेंस है उसे हम रिपीट नहीं कर सकते, यानी 0000 या फिर कोई भी एक डिजिट रिपीट नहीं हो सकता। तो अब इस फर्स्ट प्लेस को फिल करने का मेरे पास 10 वेज है, और अब डिजिट रिपीट नहीं हो सकता तो इस सेकंड डिजिट को फिल करने का 9 वेज है, अगेन थर्ड डिजिट को फिल करने का 8 वेज है, और इसी तरह अगर प्रोसीड करें तो फोर्थ डिजिट को फिल करने का 7 वेज है। इस 10 डिजिट्स में से हम फिल करना शुरू किए हैं। फर्स्ट को फिल करने में पास 10 वे था, सेकंड को 9, थर्ड को 8 और फोर्थ को 7। तो जो टोटल नंबर ऑफ फोर डिजिट कोड्स पॉसिबल है वो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 10 × 9 × 8 × 7 यानी 5040 के बराबर है। लेकिन जो सही कोड होगा वो यूनिक होगा, क्योंकि अगर 1 2 3 4 भी है तो वो सीक्वेंस में होगा। जैसे अगर हम सीक्वेंस गड़बड़ा दें, जस्ट 4 3 2 1 लिख दें तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि हमें जस्ट सीक्वेंस में लिखना होगा। तो ऐसा जस्ट वन कोड पॉसिबल है जो सही होगा। तो जो यहाँ पर एन एस है नंबर ऑफ स्पेस वो 5040 के बराबर है, और जो एन ई है इवेंट कि आदमी सही कोड डाल दे तो सही कोड जस्ट एक है पूरे सैंपल स्पेस में, पूरे 5040 कोड्स में सिर्फ एक कोड ऐसा है जो सही है। तो प्रोबेबिलिटी के पर्सन राइट सीक्वेंस पा लेता है सूटकेस खोलने के लिए वो एन ई बाई एन एस यानी 1/5040 के बराबर हो जाएगा।